हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको बताऊंगा आज राउटिंग के बारे में। ठीक है, अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे दो राउटर का नेटवर्क बनाते हैं, कैसे उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने राउटिंग किसी भी तरह की कोई राउटिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से हमारा पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ठीक है, वहां तक सेंड नहीं हो पा रहा था। तो उस इशू को, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए हमें उसमें राउटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम आज इस वीडियो में राउटिंग के बारे में जानेंगे। तो राउटिंग क्या होती है, तो राउटिंग देखिए, फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, यानी जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपना पैकेट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, मान लीजिए कि हमारा नेटवर्क है 192.168.1.100 का, और दूसरा नेटवर्क है 192.168.2.100 का। तो जब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में अपना डाटा फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए राउटिंग चाहिए होती है। तो राउटिंग यही काम करती है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा फॉरवर्ड करती है। ठीक है, पैकेट को फॉरवर्ड करती है। फिर चूजिंग द बेस्ट पाथ फ्रॉम द राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल हमारे पास होती है, जो भी हम इसमें राउटिंग करेंगे, यानी हमारे पास मान लीजिए दो तीन राउटर और है, तो और भी राउटर होगा हमारे पास, तो उसमें और भी नेटवर्क बढ़ गए, तो उन नेटवर्क्स में उसके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, ठीक है, उसे ये चूज करेगी। ठीक है, तो चूजिंग द बेस्ट पाथ फ्रॉम द राउटिंग टेबल, तो हमारे पास सारे राउटर का जो नेटवर्क होगा, जो भी हम राउटिंग करेंगे, जो जो हम नेटवर्क डालेंगे, उसमें जो भी उसे सबसे अच्छा रास्ता मिलेगा जाने के लिए, जो सबसे तेज होगा, सबसे फास्ट होगा, उससे ये चूज करेगी, ताकि उससे पैकेट हमारे फॉरवर्ड हो सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग। तो राउटिंग के जो टाइप होते हैं, तीन तरह की राउटिंग होती है, एक तो स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। हम इन तीनों राउटिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक राउटिंग जो होती है, स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बाकी राउटिंग के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वीडियो थोड़ी छोटी रहे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए हम सिर्फ स्टैटिक राउटिंग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं हम राउटिंग के, जो स्टैटिक राउटिंग है उसके बारे में। तो इट इज कॉन्फिगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो भी राउटर्स होते हैं, जो भी नेटवर्क होते हैं, उन राउटर में हम जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटिंग की, वो सारी मैनुअली होती है, उसे एडमिन है, उसे अपने हाथों से कॉन्फ़िगर करता है खुद, हर एक राउटर में एक्सेस लेके। ठीक है, मैं आपको दिखलाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये नेटवर्क है। ठीक है, हमारे पास ये राउटर से पांच, इस पांचों को हमने एक नेटवर्क बना दिया, एक लैन नेटवर्क छोटा सा, उसके बाद इसे वैन नेटवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि पांच राउटर काफी ज्यादा होते हैं। तो इसमें एडमिन जो भी राउटिंग करेगा, वो सब में राउटर में एक्सेस लेके मैनुअली करेगा, पहले इसमें राउटिंग करेगा, फिर इसमें सारे राउटर में मैनुअली राउटिंग करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑल राउटर्स। उसका मैंडेटरी नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क, इसमें क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, इसमें जिसमें हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिसमें हम पैकेट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हमें उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी पता होनी चाहिए, जिस पर हमारे डेस्टिनेशन जहाँ पर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरा पैकेट, उसका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। देखिए कैसे, मैं आपको दिखलाता हूँ, जैसे हमने इस नेटवर्क में देखा था, इसमें ये अगर हम यहाँ से इस नेटवर्क को कोई पैकेट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हमें इस नेटवर्क का ये नेटवर्क आईडी पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें इट इज सिक्योर एंड फास्ट। ये सिक्योर है एंड फास्ट है, क्यों, इसमें क्या होगा, हम सिर्फ इन्हीं राउटर्स को अपने राउटिंग टेबल में डालेंगे। ठीक है, इसमें कोई और राउटर, अगर जैसे मैंने कोई एक एक्स्ट्रा राउटर भी है यहाँ पे, तो ये हमारे राउटिंग टेबल में नहीं होगा, हमारे राउटिंग टेबल में सिर्फ क्या होगा, ये राउटर इनके राउटिंग टेबल में डली होगी, हमारे पास इनके नेटवर्क होगी, सिर्फ इसका नेटवर्क नहीं डला होगा, तो ये सिर्फ इन्हीं में अपने डाटा शेयर करेगा, इस राउटर पर कोई किसी तरह का एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये इसका बेनिफिट्स होता है, इसलिए सिक्योर होता है। और ये फास्ट इसलिए होता है
इसके अंदर क्योंकि ये सिर्फ छोटे नेटवर्क में यूज होता है, जो स्टेटिक राउटिंग होती है सिर्फ छोटे नेटवर्क में यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं होता, ज़्यादा राउटिंग टेबल नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए फास्ट काम करता है। ओके, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर यूज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद द ए नेटवर्क ऑफ 10 एंड 15 राउटर्स। तो ये मैं आपको बताया, इसमें सिर्फ ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका छोटा नेटवर्क होता है उसके लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम 10 से 15 राउटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 10 से 15 राउटर्स को हम यूज करते हैं और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ठीक है। इसमें हम 10 या 15 से ज्यादा इसमें राउटर्स हम यूज नहीं कर सकते, नहीं तो ये हमारी स्ट्रेटेड राउटिंग है ये हैंग हो जाएगी, काम नहीं करेगी, ठीक है। उसका जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फ्रॉम फॉर स्टैटिक राउट इज 0 एंड 1, यानी जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है इसे हम एडी भी बोलते हैं। तो जो एडी क्या होता है, इसमें जो डिस्टेंस इसका मतलब है जो 0 और 1 है, इसे हम हर राउटिंग जो हमारी जो भी राउटिंग होती है स्टैटिक डिफॉल्ट या फिर हमारी डायनेमिक में, उसमें सबको हम एडी देते हैं, एडी डिस्टेंस देते हैं। तो इसका जो एडी डिस्टेंस है वो है 0 एंड 1। मैं आपको एक पिक दिखलाता हूँ, देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें हर राउटिंग को अलग अलग वो दे रखी है एडी, ठीक है, डिस्टेंस वैल्यू। तो जो स्टैटिक की है वो 1 होती है, फिर ऐसे ही EIGRP की 5 होती है, फिर BGP की 20 होती है, इसमें OSPF की 110 दे रखी है यहाँ पे देखिए, है ना, और RIP की इसमें 120 दे रखी है। तो इसमें सारे जो भी राउटिंग हमारे पास होती है उसमें हर राउटिंग की इसमें AD दे रखी है, ठीक है। तो इस AD में क्या होता है, ये जिसकी AD कम होती है, देखिए इट इज द ट्रस्टवर्थनेस ऑफ द राउटिंग इन्फॉर्मेशन लेजर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हायर द प्रिफरेंस, यानी जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होता है उसको हाई प्रिफरेंस करती है। तो हमें इसमें देखते देखे मान लीजिए हमारे पास ये नेटवर्क है, तो इसमें नहीं देखते हम, इसमें देख लेते हैं अपनी फोटो में। तो ये देखिए इसमें जिसकी AD वैल्यू सबसे कम होगी ये उसे प्रिफरेंस करेगी। मान लीजिए हमने अपने नेटवर्क में 3-4 तरह की राउटिंग कर रखी है, स्टैटिक राउटिंग भी डाल रखी है, OSPF भी डाल रखी है और RIP भी डाल रखी है। तो ये क्या करेगा, ये RIP OSPF को छोड़ देगा, अपने जो पैकेट सेंड करेंगे उन्हें इन दोनों राउटिंग से नहीं भेजेगा, स्टैटिक से भेजेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो AD वैल्यू है वो 1 है, तो इसे प्रिफरेंस करेगा, जिसके कम होते उसे प्रिफरेंस करता है। तो ये 1 से अपने पैकेट को सेंड करेगा। अगर हमारे स्टेटिंग नहीं होती हमारे पास, सिर्फ OSPF और RIP होती, तो ये OSPF को प्रिफरेंस करता। क्यों? क्योंकि इसकी जो AD वैल्यू है 110 है और जो RIP की है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की वो 120 है, तो ये 110 को प्रिफरेंस करता और 110 की राउटिंग यूज करता पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज दे रखे हैं, वो क्या क्या है, एक तो ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है, यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है, हम अगर कोई बड़ा नेटवर्क हमारे पास, ठीक है, ज्यादा बड़ा वैन नेटवर्क हमारे पास, तो उसमें हम इसे स्टैटिक राउटिंग को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 10 से 15 राउटर में यूज हो सकती है। उसके बाद एवरीथिंग टू मैनुअली, क्योंकि इसमें हर एक काम एडमिन को मैनुअली करना पड़ता है, सारी राउटिंग को मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है हर एक राउटर में लॉगिन करके, तो ये काफी वो हार्ड वर्क होता है, ठीक है, इसमें टाइम भी काफी लगता है। उसके बाद नेटवर्क चेंज इफेक्ट कंप्लीट नेटवर्क, इसमें क्या होता है, अगर एक भी हमने जो राउटिंग टेबल राउटिंग रखी है उसमें अगर एक भी नेटवर्क हट जाता है तो उसमें पूरे नेटवर्क का इफेक्ट पड़ता है, हमें फिर पूरे द्वारा राउटर्स में जाके मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये राउटिंग इसमें स्टैटिक राउटिंग रखी है इन सारे राउटर को लेके, ठीक है, अगर इसमें ये नेटवर्क वाला राउटर हट जाता है, ठीक है, तो हमें दोबारा इन्हें राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरे नेटवर्क को दोबारा राउट करना पड़ेगा मैनुअली, तो इसमें काफ़ी दिक्कत रहती है, ठीक है, इसलिए अब ये नेटवर्क हट गया हमारा बोला तो हमने नया नेटवर्क बनाया, तो इसमें हमें दोबारा स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी सारे नेटवर्क में जाके, तो इसलिए क्या होता है काम हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, और ये पूरे नेटवर्क को इसलिए इफेक्ट करता है। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद
हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की क्या कमांड होती है। तो इसमें जो हम करेंगे इसकी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हम राउटर में जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, जो हमारा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है उसमें जाएंगे, उसमें टाइप करेंगे आईपी राउट, ठीक है। आईपी राउट के बाद फिर उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क मैंने आपको बताया था जो भी हमारा नेटवर्क का डेस्टिनेशन का वो डालेंगे, उसका डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस कौन सा होता है, ये देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें दे रखा है। पहले हमने ये राउटर वन में गए हम, ठीक है, उसमें कन्फिग मोड में गए, फिर आईपी राउट हमने कमांड डाली, फिर उसका जो है डेस्टिनेशन का नेटवर्क डाला। तो डेस्टिनेशन का नेटवर्क देख लीजिए 192.168.2.100 का, तो ये 100 तो आईपी हो गया, तो इसका नेटवर्क 0 से हो गया, ठीक है। उसका सबनेट मास्क हमने डाल दिया, ये इसका सबनेट मास्क हो गया क्लास सी का डिफॉल्ट वाला। उसका नेक्स्ट होप आईपी, तो ये जो नेक्स्ट होप आईपी है ये उस नेटवर्क से जाने से पहले हम जिस नेटवर्क से जाएंगे उसका जो एक नेक्स्ट होप आईपी हो जाएगा, ये जो हमारा ये राउटर होगा ये जो पॉइंट होगा जिससे हम होके जाएगी ये नेक्स्ट होप आईपी हो जाएगा। मान लीजिए हमें इस नेटवर्क में जाना है लेकिन इससे पहले हमें इस नेटवर्क में जाना, तो इसका जो पॉइंट होगा ये वाला इसे हम नेक्स्ट होप आईपी बोलते हैं, तो इस आईपी को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। फिर हमें इस राउटर में हमने ये राउटिंग कर दी, उसके बाद हमें फिर मैनुअली दूसरे राउटर में भी जो हमारा राउटर टू है उसमें भी यही सेम काम करना पड़ेगा। उसमें हम इस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी डाल देंगे, उसके इसका सबनेट मास्क डालेंगे, उसका जो नेक्स्ट होप आईपी इसका होगा वो ये होगा, यानी पहले हमें इस आईपी से जाना पड़ेगा फिर बाद में इस तक पहुंच सकते हैं, इस नेटवर्क तक, ठीक है। तो ये हमें कमेंट करते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में बताऊंगा और इसका एग्जांपल भी दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये सब जान सके सीख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अपने आने वाले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा राउटिंग के बारे में, डिफॉल्ट राउटिंग डायनेमिक राउटिंग एंड एग्जाम्पल भी दूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू गाइस।